आपको बता दें कि खबर ये आ रही है कि केजरीवाल 20 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस दिन केजरीवाल अपना नामांकन दाखिल करेंगे उसी दिन किरण बेदी भी चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाली है। तो 20 जनवरी को केजरीवाल का रोड शो होगा जिसके बाद वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और साथ ही उसी दिन उनके सामने होंगी भारतीय जनता पार्टी की नेता किरण बेदी जो उसी दिन अपना चुनाव का अभियान शुरू करने जा रही है। तो आमने सामने की जो टक्कर है वाकई में दिलचस्प रहने वाली है। एक समय ऐसा था साल 2013 का जब अन्ना के मंच पर केजरीवाल थे, वीके सिंह थे, किरण बेदी थी, बाबा रामदेव थे, कुछ अन्य लोग भी थे। हालांकि तमाम लोगों ने अपनी राहों को चुन लिया और ऐसे में अब उस मंच से उठकर अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी आमने सामने आ चुके हैं। तो अन्ना के आंदोलन से जन्म हुआ किरण बेदी का। हालांकि किरण बेदी ने कभी भी राजनीति की राह नहीं पकड़ी, उन्हें काफी सराहा गया। उससे पहले पुलिस अधिकारी के तौर पर काफी शोहरत उन्होंने पाई और उसके बाद अब राजनीति में कदम वो रख चुकी हैं और ऐसे में सबसे पहला मुकाबला किरण बेदी का जो होने जा रहा है वो है अपने ही साथी रहे अरविंद केजरीवाल से। और ऐसे में दिल्ली में चुनाव प्रचार अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को पटकनी देने के लिए चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रही है किरण बेदी 20 तारीख से और उसी दिन अरविंद केजरीवाल का रोड शो होगा जिसके बाद वो नामांकन दाखिल करेंगे। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी का आमना सामना होने वाला है। राजनीतिक घमासान चरम पर दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली में काफी दिलचस्प मुकाबला यहां होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी पहले से ही चुनावी मैदान में है, एक दूसरे के ऊपर निशाना साधती हुई नजर आ रही है और ऐसे में 20 जनवरी को यहाँ पर और तेजी आती हुई नजर आएगी क्योंकि खबरों के मुताबिक 19 जनवरी को चुनाव प्रचार समिति की कमान जो है किरण बेदी को सौंपी जा सकती है। उसके अगले दिन यानी कि 20 जनवरी को यहां पर रोड शो करने जा रहे हैं केजरीवाल जिसके बाद वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो 19 तारीख को जब संसदीय बोर्ड की बैठक होगी बीजेपी की उसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे। हो सकता है कि चुनाव प्रचार समिति की कमान किरण बेदी के हाथों में हो और ये होगा उससे अगले दिन यानी कि 20 जनवरी को कि अरविंद केजरीवाल रोड शो करेंगे, उसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे और उसी दिन से किरण बेदी चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी राजधानी दिल्ली में। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी नीलम शुक्ला। नीलम, वाकई में काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा 20 जनवरी को। एक तरफ नामांकन दाखिल करेंगे अरविंद केजरीवाल, पर्चा भरेंगे और वहीं दूसरी तरफ हो सकता है कि 19 तारीख को ये खबर आ जाए कि चुनाव प्रचार समिति की कमान किरण बेदी को सौंप दी गई है। तो मुकाबला जो है काफी दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल सुधार, जिस तरह से उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन की उसी समय ये बात कही जाने लगी कि जो मुकाबला है वो अब अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी के बीच में है और वही सारी जो चीजें जो हैं वही डेवलप हो रही हैं, धीरे धीरे उन्हीं पर काम हो रहा है। और जिस तरह से आज उन्होंने अपने काम का आगाज किया उसको देखकर तो साफ लग रहा है कि जो कमान है उन्हें सौंपी जा सकती है। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए जो बीजेपी के प्रवक्ता है अश्विनी उपाध्याय, किरण बेदी के साथ काफी समय तक ये रहे हैं वो है, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अश्विनी जी, किरण बेदी को 20 तारीख को कमान रैलियां जो है दिल्ली की वो 20 तारीख से वो शुरू करने वाली है, उसी दिन अरविंद केजरीवाल अपना नामांकन भी भरने जा रहे हैं, क्या हम आशा करें कि उसी दिन किरण बेदी भी अपना नामांकन भरेंगी? देखिए, इसका फैसला 19 तारीख को हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ रही है, उसी में सबका फैसला होगा। आगे निश्चित रूप से किरण जी के आने से ये परिवार हमारा और मजबूत हुआ है और जैसे जैसे परिवार बढ़ रहा है तो परिवार और मजबूत होता जा रहा है। इसमें आप अरविंद केजरीवाल जी से तुलना मत करिए किरण बेदी जी के। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल की इनकम टैक्स की नौकरी में क्या किया किसी को नहीं पता, किरण बेदी जी ने पुलिस की नौकरी में क्या किया है पूरी दिल्ली जानती, पूरा भारत जानता है, इसलिए उनको आप तुलना मत करिए। ये
रैलियों की जहां तक बात है तो रैलियां अभी हमारी उसका स्ट्रक्चर बन रहा है, पार्टी तय कर रही है किस नेता को कहां जाना है, उसका एक शेड्यूल बना रहा है, वो अभी प्रोसेस में है। क्या 70 के 70 विधानसभा में किरण बेदी की रैलियां होंगी, क्योंकि किरण बेदी ही ऐसा चेहरा है जो आप लोग ट्रम्प कार्ड के रूप में लेकर आए हैं और अब बीजेपी के जो नैया है उनके जरिए पार करवाने की कोशिश की जा रही है? नहीं नहीं, 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 आप क्या सोच रही हैं कि किरण बेदी जी आई हैं इसलिए बीजेपी जीत रही है और पहले बीजेपी हार रही थी? ऐसा नहीं है, बीजेपी पहले भी जीत रही है, आज भी जीत रही है। और जहां तक रैलियों की बात है तो रैलियों का शेड्यूल चलिए हमसे बातचीत करने के लिए नीलम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीलम हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद थी और जैसे कि लगातार वो बातचीत कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी उन्होंने बातचीत की है और वाकई में एक बड़े चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है किरण बेदी की। अगर बात की जाए तो चुनावी समर में पूरी तरह से अपनी ताकत आजमाने के लिए वो तैयार है। आपको याद होगा इससे पहले किरण बेदी ने साफ तौर से कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर उन्हें उतारा जाता है तो वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार।